हाय गाइस, मैं हूँ सूफिया। आज मैं आपको बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। इसे बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही जल्दी इसकी रेसिपी है बनाने की। इसके लिए मैंने लिया है ये 300 ग्राम गोश्त मीट, 300 ग्राम चावल, गोल्डन चावल है, इसे 2 घंटे से मैंने भिगो रखा है। ये बिल्कुल हमारे भीगे एकदम रेडी हैं बनाने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाले में आप 3 तेज़पत्ता का पत्ता, 1 आपकी बड़ी इलायची है, लौंगे हैं 5-6, 4 आपकी लौंगे हैं और आपका 5-6 काली मिर्चें हैं, 0.5 टीस्पून आपका रेडी पिसा हुआ बिरयानी मसाला, प्याज 1 मीडियम साइज़ की है, हरी मिर्चें 2 कटी हुई, थोड़ी सी अदरक आपकी चॉप्ड, लेमन। तो ये हमारा सारा सामान है बिरयानी का। हम अपना कुकर लेंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, गर्म हो जाएगा ऑयल, हम इसमें अपनी प्याज डालेंगे। ऑयल हमने पहले से ही गर्म हो रखा। ये बिरयानी बनाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। कभी आपका मूड होता है कि हम जल्दी कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है और हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी से बन जाए हमारा खाना, तो ये आपका आसान तरीका है बनाने का। गैस हमारी गुलाबी हो जाएगी थोड़ी, तो हम इसको आधी बाहर निकाल लेंगे और आधी इसी के अंदर रह लेंगे। हमारी प्याज गुलाबी हो गई है, इसमें हम अपना जीरा डालेंगे, बाकी का गरम मसाला। ये थोड़ी सी हमने प्याज अपनी बाहर निकाल ली है, इसको बाद में डाल के खाने के लिए अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, बिरयानी मसाला जिसे हमने पहले मैंने आपको बनाना बताया था उसके अंदर डाल देंगे, अपना मीट डाल देंगे, और उसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे। दो से तीन मिनट इसे भूनने के बाद आप इसमें 2 गिलास पानी डाल दीजिए और इसे 1 सीटी के बाद तेज़ आंच पे पकाने के बाद इसे आप 15 मिनट के लिए सिम गैस पे इसे बनने दें। एक सीटी के बाद हमने इसे 15 मिनट गला लिया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर अपने चावल डाल देंगे और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी हमने इसमें पहले ही 2 गिलास डाल दिया है, तो हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। चावल डालने के बाद हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें और ये अदरक डालेंगे और इसके अंदर अपना थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, करीब 8-10 बूंदे, और फिर इसे अच्छे से चला के हम इसे बंद कर देंगे। इसे फिर हम 1 सीटी के बाद 2 मिनट बनाएंगे और उसके बाद अपनी गैस ऑफ कर देंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे, फिर हम अपनी बिरयानी निकाल लेंगे। आपकी बिरयानी रेडी है। आप इसे रायते के साथ, चटनी के साथ, कबाब के साथ खाएं, आप इंजॉय करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।